नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। अप्रैल के महीने में ही सूरज ने आग उगलनी शुरू कर दी है, जिससे जनजीवन बेहाल हो गया है। जालौन में अभी पारा लगभग 44 डिग्री के पार चल रहा है, जिसके कारण दोपहर में बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। जिनको जरूरी काम है वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बात यदि छात्रों की करें तो वो भी भीषण गर्मी में स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में उपस्थिति कम हो रही है। इसीलिए शिक्षक संघ ने जनपद के बीएसए से विद्यालयों के समय के परिवर्तन की मांग की है। अभी जालौन में प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो रहा है, लेकिन इसको परिवर्तित कर सुबह 7 से अपराह्न 11 तक की मांग की जा रही है। बात यदि पशु पक्षियों की करें तो गर्मी में उनका भी बुरा हाल है। दोपहर में सड़कों पर निकलने वाले लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेकर अपना काम चला रहे हैं। धूप बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी का सामना मुश्किल पड़ रहा है, किसान परेशान है, महिलाएं बच्चे तो बाजार में आना ही बंद कर दिया और हम लोग परेशान है। यहाँ बिक नहीं पा रहे, कहीं बारदाने नहीं, कहीं स्टॉक ज़्यादा होगा, माल नहीं उठ पा रहा, इसलिए परेशान है किसान बहुत। बीमारियों की बात की जाए तो बीमार हो रहा है लोग, दस्त की शिकायत हो रही, ज़्यादा गर्मी से किसान परेशान है बहुत। गर्मी की आदमी बहुत बेहाल आदमी है, कोई ना दो दो तीन तीन दिन पड़ा रहता है गर्मी की वजह से, साथ बीमारी जाना पड़ेगी, मच्छर भी दिन भर मुश्किल काम करता है और बड़ी परेशानी है। तलाई उलाई की कोई व्यवस्था कोई सही नहीं बन पा रही। कितनी धूप है लगभग? बहुत तेज धूप है कि आदमी मुश्किल पड़ रहा है। घर से निकलते हैं तो क्या स्थिति है? अरे घर के सर दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है, इतनी तेज धूप में तो आदमी को जो है बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। श्याम किशोर। अच्छा, गर्मी की हालात देखी जाए कैसे हैं आप लोग, कैसे झेल रहे हैं? गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पी पी के छाई में बैठ बैठ के काम चला रहे हैं, किसानी का काम नहीं चल रहा है, रातों रात कर रहे हैं। कितनी धूप देखी जा रही है? बहुत धूप है, दिन में तो निकल नहीं पा रहे हैं। बीमारी की बात की जाए? बीमारी तो बहुत, मच्छर और गर्मी के मारे बहुत आदमी बीमार पड़ रहे हैं, धूप से बहुत झेल रहे हैं, उसमें दस्त भी आ रहे हैं, बुखार भी आ रहा है। मेरा नाम सत्यम है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। गर्मी की बात की जाए तो क्या स्थिति है? बहुत गर्मी है। कैसे जी रहे हैं? हालत बेकार है, पसीना निकलता रहता है, गांव से 5 किलोमीटर चल के आते हैं साइकिल से, कई जगह पानी पीना पड़ता है, रास्ता में बैठना पड़ता है छाया में। हमारे साइकिल से आते हैं, ऐसे ही हमारे दोस्तों की हालत है। क्या बीमार भी पड़े हैं? बीमार कई बीमार पड़ जाते हैं गर्मी के हालत, स्कूल नहीं आ पाते हैं, बुखार चढ़ाता है रोज। शिवम कौशिक। ये गर्मी पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, क्योंकि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज जाना पड़ता है उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। अब स्कूलों की छुट्टी 2 बजे 2:30 बजे होती है, इस भी आप पे हम लोग को कुछ सोचना चाहिए इस मैटर पे कि ज़्यादा गर्मी के कारण कुछ हॉलीडे करने चाहिए इस मैटर पे। एंड हमारा सजेशन यही रहेगा कि हम लोग जितना भी जो लोग जाते हैं गाड़ी से जाते हैं आते हैं तो यही रहता है कि धूप ज़्यादा पड़ती है, कैप भी लगाएं तब भी सिर तस्ता है, स्किन जलती है, तो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होता होगा। उमा प्रजापति। किस स्कूल की छात्रा? ओमकार नारायण प्रकाश महाविद्यालय। गर्मी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गर्मी से हम लोग स्कूल से जब लौटते हैं तो बहुत तेज गर्मी का सीजन चल रहा है और यहाँ का तापमान भी बहुत अधिक है, और हम लोगों को जब हम लोग स्कूल से लौटते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है घर पर आने में, और इतनी गर्मी, इतना तापमान अधिक है कि हम लोगों को कई बार ऐसा भी हुआ है हम लोग गर्मी से बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम लोग इतनी गर्मी में इतनी दूर का सफ़र कर रहे हैं और बस पानी पी पी के काम चल रहा है, इतनी तेज़ लू चल रही है कि हम लोगों की सांस तक सूख जाती है, इतनी दूर से आते हैं हम लोग। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, हम लोग 40 किलोमीटर दूर डेली रन करते हैं एक साइड से,
और 80 किलोमीटर का रन पड़ जाता हम लोगों को। गर्मी के चलते क्या कोई बीमारियां भी हो रही हैं? गर्मी के चलते हम लोगों का पानी बहुत गर्म हो जाता है रास्ते में, और वो गर्म पानी पी के हम लोगों का पेट खराब हो जाता है और डायरिया से शिकायतें आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है यहाँ पर, और बीमारियाँ हो रही हैं, दस्त वगैरह हो रहा है यहाँ पर गर्मियों से। हाँ, यहाँ पर प्याऊ कोई नहीं है, प्यासन मरता है आदमी, यहाँ पर कोई प्याऊ नहीं लगी अभी तक। जो भी आता है यहाँ पर यात्री, यहाँ भी पानी के प्रबंध नहीं है। तो कितनी गर्मी देखी जा रही है? अरे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना आ जाता है, 5 मिनट खड़े हो जाओ काम में। मेरा नाम जसवंत सिंह है। गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। कहाँ से आप आ रहे हैं? इधर मैं झांसी से आ रहा हूँ। इतनी परेशानी हो रही है कि गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है और कानों में बहुत लपट लग रही है। कितने दूर जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी इधर डीहा गांव पड़ता है मेरा देहात में, उधर जा रहा हूँ। कैसे आपको क्या पानी पी के कैसे आप? अरे बार बार मुँह धोने पड़ रहा है, थोड़े 2-4-10 किलोमीटर चल पाते हैं उसमें सर गर्मी लगने लगती है, तो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा हार्ड गर्म हो जाती है। ये ठंडी है, ठंडक थोड़ी मिलेगी कुछ इसके वजह से। जल्दी क्या कोई बीमारियों का सामना करना पड़ता है? जी सर, क्यों नहीं, पीली पेशाब उतरने लगती है जब गर्मी बढ़ जाती है तो। क्या है,